हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, होप करता हूं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गाइस आप लोग अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, मास्टर से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आप साइड में एक वीडियो देख सकते हैं, ये गाइस ये वाली वीडियो विदाउट एडिटिंग है, और ये साइड में गाइस आप ये वीडियो देख सकते हैं गाइस ये एडिटिंग किया हुआ है। तो ये वाली वीडियो गाइस आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये वीडियो गाइस मैंने खुद एडिटिंग की है और ये वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो गाइस अगर आप लोग भी अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं और अपने कपड़े का रंग चेंज करना चाहते हैं, तो गाइस आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ये वीडियो फुल वॉच कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोगों के पास साइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है, तो गाइस आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है विनीत सोनियाल, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, एंड गाइस मैंने यहाँ पर अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो गाइस आप लोगों को के पास अगर ये एप्लीकेशन नहीं है, गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन को काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस आप उस लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ईजिली से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इसको एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो जैसे कि आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है, एंड गाइस आपको 9:16 की रेशो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड जैसे कि आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गाइस आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी वीडियो का बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं, तो गाइस आप लोग यहाँ पर अपना वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर ये वीडियो ऐड कर देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर ये वीडियो ऐड कर दिया है, गाइस आप लोग देख ही सकते हैं। अब गाइस हमें इस वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज करना है, तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या होगा, गाइस आपको लेयर में जाना है, एंड लेयर में जाने के बाद आपको गाइस इफेक्ट्स में चले जाना है, एंड इफेक्ट में जाने के बाद गाइस आपको कैट मोड पर क्लिक करना है। तो जैसे गाइस आप कैट मोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज़ आपको यहाँ पर इस वाले थर्ड वाले कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाइज़ आपको यहाँ पर एक इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कलर चेंजर का, तो आपको इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, गाइज आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइज आपको इजीली इस पर क्लिक करना है, एंड आपको इजीली इस पर क्लिक करके बैक आना है, एंड बैक आने के बाद इस इफेक्ट को आपको फुल स्क्रीन यहाँ पर इसको कर देना है, एंड आपको इसको इसकी लेंथ को भी यहाँ पर एंड तक कर देना है। अब गाइज बैक आने के बाद अब गाइज यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग का, सो गाइज आपको सेटिंग पर क्लिक करना है, एंड जो भी बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका बैकग्राउंड कलर है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी मैं बैकग्राउंड अभी रिमूव करना चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कर लिया है। गाइज अगर आपका बैकग्राउंड कुछ भी कलर और चेंज है तो आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। गाइज अब आपको ओके पर क्लिक करना है, एंड ओके पर क्लिक करके अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कलर ऑफसेट का, तो आपको इस तरह से करते हुए आपको इसको 60 यहाँ पर कर लेना है। गाइज आप अपने वीडियो के हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब गाइज आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ह्यू का आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इस तरह से करते हुए इसको यहाँ पर इनक्रीज या कम आप कर सकते हैं। गाइज आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी कलर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं वो गाइज आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको सैचुरेशन पर आ जाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पर कर देना है। तो गाइज आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा हमारा वीडियो यहाँ पर मस्त लग रहा है। गाइज आप लोग कोई भी कलर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये कलर इसमें ऐड कर दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये वीडियो प्ले करके। तो देख ही सकते हैं यार कितना ज़्यादा हमारा ये वीडियो मस्त लग रहा है। गाइज आप लोग पीछे का बैकग्राउंड देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर मस्त लग रहा है। तो गाइज अगर आप अपने कपड़े का रंग भी चेंज करना चाहते हैं गाइज, या आप अपने क्लोथ का रंग भी चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फिर से आपको लेयर में जाना है, एंड लेयर में जाने के बाद गाइज आपको फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइज क्लिक करने के बाद गाइज अब आपको फिर से कलर चेंजर वाला जो है इसमें इफेक्ट यहाँ पर ऐड करना है, एंड फिर से आपको बैक आना है। एंड गाइज बैक आने के बाद आपको फिर से कुछ इस तरह से करते हुए आपको यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करना है, एंड इसकी लेयर को आपको एंड तक कर लेना है। एंड तक करने के बाद अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसकी लेयर को थोड़ा सा आगे आना है, एंड आपको ट्रिम पर जाना है, एंड जो
आगे का पार्ट है वो आपको यहाँ पर कट कर देना है। कट करने के बाद आप फिर से बैक आना है एंड गाइस बैक आने के बाद आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी गाइस आपके कपड़े का रंग है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये इस वीडियो में गाइस इसने जो कपड़ा इसके कपड़े का रंग है यानी कि क्लोथ का रंग है वो रेड है, तो मैंने यहाँ से रेड इसमें ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको ओके पर क्लिक करके अब गाइस आपको कलर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसको आपको 60 या 65 आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं गाइस अपने हिसाब से यानी कि अपनी वीडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहा हूं। तो गाइस अब आपको करना क्या होगा, अब गाइस आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ह्यू वाले पर एंड क्लिक करके आपको कुछ इस तरह से करते हुए गाइस आपको इसको इंक्रीज यहां पर कर देना है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं इसके कपड़े का रंग यहां पर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। गाइस आप लोग ध्यान कर देख ही सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी यहां पर हमारा कलर पिंक है। तो गाइस अब आपको करना क्या होगा, अगर आप इसकी सैचुरेशन को थोड़ा हाई या कम करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। क्या गाइज अब आपको बैक आना है एंड बैक आने के बाद आपको कैच वाले ऑप्शन पर जाना है एंड गाइज आपको इस पर कट यहाँ पर इस तरह से कट लगाना है एंड आपको फिर से बैक आना है एंड आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ पर कोई भी कलर कोई और कलर आपको इसके कपड़े का कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड करने के बाद अब आपको गाइज फिर से बैक आना है एंड फिर से बैक आने के बाद आपको इसकी लेयर को थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर देना है, आगे आ जाना है लेयर की एंड आपको फिर से ट्रिम पर जाना है एंड गाइज आपको फिर से स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अब गाइज आपको फिर से बैक आना है एंड बैक आने के बाद गाइज अब आपको करना क्या होगा, अब आपको गाइज फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ कोई और कलर आपको इसमें यहाँ पर ऐड कर देना है एंड गाइज इसकी सैचुरेशन को अगर आपको गाइज फेस सही नहीं आ रहा है तो आपको इसकी सैचुरेशन को थोड़ा माइनस पर यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अब गाइज आपको करना क्या होगा, अब गाइज आपको फिर से बैक आना है एंड बैक आने के बाद गाइज आपको फिर से थोड़ा सा स्क्रीन को आगे बढ़ाते हुए फिर से गाइज आपको ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया फिर से आपको स्प्लिट कर देना है एंड गाइज आपको फिर से बैक आना है एंड बैक आने के बाद आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर कोई और कलर यहाँ पर गाइज आपको ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये कलर इसमें ऐड कर दिया है, गाइज आप लोग कोई भी यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी गाइज आप लोग को ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा ये वीडियो कैसा बना है। तो गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख ही सकते हैं, ठीक है। मैं प्ले कर देता हूँ। सो गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यार कितना ज़्यादा हमारा ये वीडियो मस्त लग रहा है। तो गाइज कुछ इस तरह से करते हुए गाइज आप लोग भी अपने कपड़े का या अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में मुझे आपको यही सिखाना था, होप करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइज अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो गाइज आप लोगों को एक्सपोर्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे गाइज आप क्लिक करेंगे ये वीडियो गाइज आप लोगों की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।